नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हूँ कुकणा राहुल, स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर अंतर्गत इम्पेरियल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी आयसा द्वारा हॉकी ट्रेनर तरीके जेजे मेहता हाई स्कूल बिल्लीमोरा डिस्ट्रिक्ट नवसारी खाते फरज बजाऊँ छू। आज आप हॉकी महत्वनी ड्रिल झिकझेक डिबल विषय शीखीशू। झिकझेक डिबल करती वक्त आप पहले वॉर्मअप जोशू अने वॉर्मअप कर पीछे आप ड्रिल जोशू। झिकझेक डिबल झिकझेक डिबल करती वक्त आप सौ प्रथम हॉकी ग्रीप जोशू। हॉकी ग्रीप एट हॉकी पकड़वानी रीत। हॉकी आ रीते पकड़ी सकता है तमो लेफ्ट हेन्ड ए टॉप ऑफ द स्टिक अने राइट हेन्ड ए मिडल ऑफ द स्टिक। अने डिबल करती वक्त खास ध्यान में रखू कि डिबल हमेशा प्लेइंग पार्ट एट अंदर भाग की थी। अगर बहारना भाग साइड बॉल अड़से तो फाउल आप एम्पायर द्वारा। अरे डिबल करती वक्त महत्व ये कि तमारी बॉल और हॉकी वच्चे संपर्क साथ रहो जो है पोता बॉडी थी बॉल दूर रहो जो एट वो दूर पर नहीं बहुत नजीक पर नहीं पोता रेन्ज मुताबिक बॉल ने आप ले जाए। आप झिकझेक डिबल जोशू। झिकझेक डिबल आ रीते आप बॉडी ने बेन कर झिकझेक में डिबल करवा। झिकझेक डिबल करती वक्त तमारे पण जोर छे कि बॉल तमारा पग में अड़े नहीं। जो बॉल तमारा पग में अड़से तो एने अंपायर द्वारा फाउल आपवामां आवशे। झिकझेक डिबल करती वक्त ते एकदम झूकीने करवानुं छे डिबल जेथी तमारो बॉल अने हॉकी जोड़े संपर्क रहे अने बॉल सामेना प्लेयर पर जशे नहीं। अने डिबल करती वक्त तमारा बॉल अने बॉडी वच्चे थोड़ो डिस्टन्स होवो जोईए। आ रीते डिबल करशू तो बॉल फाउल थवानो रहेशे अने सामेवाला प्लेयरने बॉल मळी जशे। अने बॉल बहु दूर राखीने डिबल करशू तो पोतानी रेन्ज मुताबिकनी बहार जशे डिबल। એટલે રિબલ કરતી વખતે એ જોન છે કે તમારી બોડી અને બોલ વચ્ચે થોડું સમાનતા ડિસ્ટન્સ આટલું હોવું જોઈએ, બે ફૂટ અંતર પર તમારો બોલ, જેથી રિબલ સરળતાથી થઈ શકશે। ફરી એકવાર આપણે રિબલ જોઈશું ઝિકઝેક રિબલ। બોલ અને બોડીથી અંતર એકદમ બે ફૂટની દૂર પર જેથી બોલ ફાઉલ થવાના ચાન્સ ઘણા ઓછા રહે। ધીરે ધીરે સ્પીડમાં જશું આપણે। બોડી અને બોલ વચ્ચે અંતર હશે તો સ્પીડમાં પણ કરી શકાશે અને ફાઉલ થવાના ચાન્સ ઘણા ઓછા રહેશે। આભાર।